बाद सुबह 5 बजे के करीब नशे में धुत पिता ने अपने ही बच्ची का गला दबाकर हत्या कर दी और पिता ने अपनी ही गर्दन पर चाकू से वार कर आत्महत्या करने का प्रयास किया। प्रियांशु गणेश चौधरी, उम्र 3 साल, गला घोटकर हत्या किए जाने वाले बच्चे का नाम है। बच्चे की हत्या करने वाले पिता का नाम गणेश विड्ढल चौधरी, उम्र 31 साल बताया जा रहा है। चंद्रपुर जिले के मूल तालुका के रजौली निवासी 31 वर्षीय गणेश विड्ढल चौधरी अपनी पत्नी काजल और बेटे के साथ रजौली में रह रहा था। हनुमान जयंती के दिन उसने शराब पीकर पत्नी को पीटा और वह घर से चली गई। खुद गणेश और बेटा प्रियांशु घर पर रह रहे थे। नशे में धुत होकर उसने अपने पुत्र प्रियांशु का गला घोट दिया और फिर चाकू से अपने गले पर वार कर आत्महत्या का प्रयास किया। मौके पर पहुंची मूल पुलिस ने पंचनामा किया और घायल गणेश चौधरी को उपचार के लिए मूल उपजिला अस्पताल भेज दिया गया है। आगे की जांच मूल थाना के पुलिस इंस्पेक्टर सुमित परतेकी के मार्गदर्शन में चल रही है। मूल पुलिस स्टेशन अधिक राजौली या गावी रहनारा गणेश विठ्ठल चौधरी वय 30 वर्ष या इसमाने काल रात्री आपल्या 3 वर्ष 5 महिने वयाचा मुलगा प्रियांश याची गळा दाबून स्वतःच हत्या केल्याचे सकाळी निदर्शनास आलेले आहे आणि स्वतः देखील आपल्याच हाताने चाकूने वार करून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, परंतु तो त्यात बचावलेला आहे आणि त्याला दवाखान्यात दाखल करण्यात आलेला आहे। कुठल्या तरी गोष्टीत त्याच्या मनावर परिणाम होऊन त्यातून नैराश्यतून त्याने हे पाऊल उचलल्याचं प्राथमिक तपासावरून दिसत आहे। सर्व अंगाने या गोष्टीचा तपास करण्यात येत आहे। पोलीस निरीक्षक मूल सुमित परतेकी या घटनेचा या गुन्ह्याचा तपास करीत आहेत। घटनास्थळी अडीशन SP आणि SDPO हे आहेत। तरी सखोल सर्व अंगाने या घटनेचा तपास करण्यात येत आहे। धन्यवाद।